अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी मुजिंदर बाद शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग ऐसा डिसाइड कर रहे थे, जाने की मम्मी ने डिसाइड किया क्योंकि मुझे बहुत टाइम से जुहू जाने का दिल था, तो वो मुझे बोले कि चलो जुहू चलते हैं। बट मैंने उनको बोला कि सब साथ में, क्योंकि शहजान भी काम में बिजी है और बुशादी लोग भी चले गए, तो मैंने सोचा कि सब साथ में रहते तो एक अलग मजा रहता है सब जाओ, मतलब जुहू पे मैं और मम्मी क्या करेंगे दोनों अकेले वहां बैठ कर। तो मैंने बोला नहीं, तो वो बोले चलो ठीक है फिर किधर जाना है मुझे उन्होंने पूछा। तो मैंने भी बहुत सोचा कि किधर जाना है, पहले मुझे ऐसा लगा मनीष मार्केट चलते चार बंगला, बट फिर ऐसा लगा नहीं, सब टाइम का हेवाया भी हो गया था। बट फिर उसके बाद मैंने ऐसा सोचा चलो बुशरा दी के वहीं चले जाते हैं। फिर बीच रास्ते में गए, फिर याद आया कि नहीं इमरान भाई का आने का टाइम हो रहा है, तो मतलब जैसे इंसान कैसे थक के आता है, अब ये कॉमन सेंस है, हमको सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में। वैसे वो तो बेचारे कभी ऐसा कुछ बोलते नहीं है और मतलब ऑलवेज वेलकमिंग है, ऐसे बोलते हैं कि हाँ चलो आ जाओ, खुश रहते हैं, वो कभी बोलते नहीं कुछ। बट हमें वो चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज इंसान इतना ऑफिस से थक हार के आता है। तो उस वजह से हमने फिर सोचा नहीं चलो उधर नहीं जाते। फिर हमने वापस से फोन किया बुशरा दी को, फिर पूछे क्या करते हैं। तो जैसे कि अभी बुशरा दी भी थोड़े वो टाइम पे अपसेट चल रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं भी बाहर ही आ जाती हूँ और बच्चे लोग को थोड़ा वहाँ पे मॉल में घुमा लेते हैं, क्योंकि अभी जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए वो जो वो लोग ने मॉल्स में, जैसे मैंने इन्फिनिटी का वन का बताया था, सेम इन्फिनिटी टू में भी है। तो अभी वो कैसा हमको बीच में हो जाता है, जैसे मलाड और जोगेश्वरी के बीच में इन्फिनिटी टू आ जाता है। तो हमने सोचा चलो इन्फिनिटी टू ही चलते, लास्ट में वही प्लान हुआ पूरा। इतना समझ लो एक घंटे का पूरा, मैं और मम्मी तो ऑटो में ही घूम रहे थे एक घंटा पूरा सब सोच सोच के। और मैं इंट्रो मतलब बाद में बना रही हूँ ये वाला, क्योंकि आप लोग एंड का जो मेरा वीडियो देखोगे उसको आप सब मतलब जो देखोगे वो थोड़ा भयानक भी था जो मेरे साथ हुआ बाद में वहां से। तो मेरे लिए तो बहुत मतलब मैं डर चुकी थी वो चीज से, लेकिन चलो अल्लाह ने खैर किया अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज के लिए हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एंड में आप लोगों को पता चलेगा मेरे साथ बाद में क्या हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ। बट फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे है थोड़ा सा पेन, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो जो था ना वो बहुत भयानक था मेरे उसमें। बट आप लोगों को पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एंड व्लॉग के एंड में जरूर देखना, मतलब वक्त का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी होता है कभी भी। तो बस अभी फिलहाल तो हम निकल रहे हैं, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम निकल चुके हैं मॉल के लिए, तो वो आप लोग आगे देखिए ठीक है। चलिए अभी जैसे कि बुशरा जी और बच्चे लोग आने वाले हैं, तो हम लोगों ने सोचा जब तक वेट करते हैं बिकाजी, क्योंकि हम लोग तो पहुंच गए, हम लोग बिकाजी जा रहे हैं, बहुत टाइम के बाद हम लोग बिकाजी आए। और फिर से मैं आप लोगों को आज अकेले दिखने वाली हूँ व्लॉग में। अंकल कुछ बोल रहे क्या बोल रहे हैं? एक प्लेट, चलो क्या लेना है देखते हैं। ये सब चीजों पे एक के ऊपर एक फ्री है, ये देखे। इतना एक्साइटमेंट थी हम लोग को, लेकिन ऐसा हमारे तो कुछ काम का नहीं है फिलहाल। हम ले रहे हैं मूंग दाल का हलवा, जबकि है गाजर के हलवे का सीजन, बट मुझे ये दोनों ही पसंद है। मम्मी ने हाथ में बिल ला दी है, बोले रेडी हो गया है मूंग दाल का हलवा, तुम ले सकती हो। तो हम इनको दे देते हैं, ये लीजिए भाई मूंग दाल का हलवा। ये हो गया हमारा हलवा तैयार। चलो थोड़ा खा ले, काला काला लग रहा है ना कैमरे में। अभी हम लोग चल के जा रहे हैं इन्फिनिटी टू, इधर ही बिकाजी था, अभी आगे इन्फिनिटी है। रास्ते में इधर पे डी मार्ट भी है। मेट्रो आ गए इन्फिनिटी, और बहुत 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 सुपर सजा है, दिखाती हूँ अंदर से। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये इसकी एंट्री है, बट इधर पे गाड़ी से है एंट्री। ये देखिए ऊपर है ना बच्चे लोग के खेलने का सब बनाया हुआ है, जैसे इन्फिनिटी वन में था। ये जंपिंग जैक है देखो, और ये चलने का इधर से। आजकल टेक्नोलॉजी देखो क्या एक से एक मतलब होर्डिंग्स बनती है ना। मम्मी मेरे को क्या दिखा रहे, ये देखो
ये है यहाँ का क्रिसमस कार्निवल, और बच्चों के लिए देखो एक्टिविटीज। चलो अभी बच्चे आते हैं तो फिर ऊपर चलते हैं हम लोग इधर पे, देखो ये वाला। चलो कहाँ से जाना, यहाँ से चल के आना ना मेरे को, चला जाओ। चल अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे वॉकिंग लेन से। मैं इधर थी जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो, तो वहाँ से वो बोला इधर से चल के नहीं आ सकते आपको, दूसरी जगह जाना है, इधर आ जाए। I can't believe I met you. आंटी कैसे हो? सॉरी आप। एक बहुत ही प्यारी आंटी मिल गए थे, तो वही वो बोल रहे थे कि वो हमारे ब्लॉग जैसे देखते हैं, तो बहुत स्वीट थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा मतलब लिया नहीं वीडियो में, जितना स्टार्टिंग में मम्मी ने लिया उतना वो आ गए। सो अगर वो तो ब्लॉग देखते हैं, उन्होंने बोला थैंक यू सो मच आपसे मिलकर, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट हो, चला थे। और एक सेकंड गई थी, हाँ, और कुछ तो मम्मी ऐसे आपस की बात कर रहे थे। हाँ मतलब मैंने, मुझे भी बहुत अच्छे लगे, मम्मी को भी बहुत अच्छे लगे, मतलब मम्मी भी उनकी बहुत मिलकर तारीफ की। ऐसे होते हैं बहुत प्यारे प्यारे लोग जो मतलब नहीं ऐसे दिल से मिलते हैं, तो इसलिए उनके लिए और व्लॉग्स बनाने का दिल होता है। तभी हम बढ़ते आगे, आइए आ गए अंदर, और अब चले हम किड जोन में। सो हम लोग आ गए हैं किड जोन में। ट्रेन जा रही है उधर। वाव वाव वाव। इधर है चार स्टॉल सेम ऐसे ही जो इंफिनिटी वाली है। ट्रेन अपने स्टेशन पर आके रुक चुकी है अभी। सब हो गया, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए। हो गया खाकर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे मोमोस हो जाती हूँ, देखती हूँ कुछ आया है क्या न्यू। बहुत क्यूट स्टफ्स रहते इधर। एक्सक्यूज मी, चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। हो गई शॉपिंग, मोमोसों से भी ले लिया, अब घर के लिए निकल रहे हैं। मेरी सडनली तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे मम्मी डॉक्टर के पास ले गए थे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको इमरजेंसी में जाकर हॉस्पिटल में ECG चेकअप कराना पड़ेगा। तो मैं हॉस्पिटल आई हूँ, आगे तो मैंने क्लिप लिया ही नहीं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, सब परेशान हो गए थे, इसलिए आगे जो भी रहेगा वो हम आपसे एंड में क्लिप में शेयर करेंगे कि हुआ क्या था आखिर मेरे साथ। सो गाइज़, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है, तो सोचा कि एंड बता दे कि मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ। और मैं शुरुआत करती हूँ, बाद में शहजान बता देंगे। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मॉल गए थे और मुझे ना एक क्रैम्प आया, और वो मतलब 2 मिनट का क्रैम्प था, और वो अचानक फिर सही हो गया। फिर उसके बाद 15-20 मिनट के बाद फिर से वो मतलब एक अजीब सा पेन उठा। फिर तो मम्मी और बुशादी बोले कैसे स्ट्रेचिंग करो, ये करो करो, तो मैंने एक लेफ्ट हैंड उठा के स्ट्रेचिंग किया, वो हैंड उठा के स्ट्रेचिंग किया, तो मुझे उसके बाद जो वो पेन पकड़ा है, मतलब शायद कुछ मूवमेंट की वजह से वो और पेन मतलब शुरू हो गया। तो मुझे पर मैं ना फिर भी बहुत माइंड डाइवर्ट कर रही थी, मैं इधर शॉपिंग करने का बोल रही हूँ, इधर करने का बोल रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे ना वो पूरा आ गया था। अब सब साथ में गए थे, तो मैंने बोला कि क्या मतलब पहले सब घूम लेते हैं, उसके बाद जो भी देखते हैं। और मैंने सोचा था कि शायद वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं होता है, जो रेंटेक या पैंडी खा के सही हो जाता है। मैंने सोचा कि घर जाके मैं खा लूंगी और वो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। बट फिर रास्ते में जब सब घर अपना अपना जाने के लिए निकले, तो मैं और मम्मी रास्ते में अकेले घर आ रहे थे वापस, शहजाद नहीं थे, अपने काम से बिजी थे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो वो पेन बढ़ते गया, तो मम्मी टेंशन में आ गए, मेरा फेस देखे, क्योंकि मेरा फेस से नहीं था वैसे बहुत अजीब हो रहा था मुझे। तो मम्मी है ना बोले कि नहीं डॉक्टर के पास चलो, ज़्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर के पास चलो, ऐसा रिस्क नहीं लेते, डॉक्टर को दिखाते। फिर उसके बाद मैं शहजान को आधे रास्ते बोली कि हम लोग निकल गए घर के लिए, ये घर पे आ गए थे तभी उसके बाद।
तो मैंने बोला कि हम लोग आ रहे हैं घर पे, तो उसके बाद अचानक मम्मी ने शेजान को फोन करके बोले कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसा मुंजरीन की तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है तो उसको डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बोला ठीक है मैं भी आता हूँ। बोले नहीं हम लोग दिखा देते हैं, अभी ऑन द वे ही है, कुछ रहेगा तो बोलते। तो इन लोग पहुंचे डॉक्टर के पास, मैंने कॉल किया क्या हुआ, तो बोले डॉक्टर ने बोला है इमरजेंसी में ECG निकालो। मैं ये सुना ना तो मैं आ गया टेंशन में। मैं बोला मतलब हम लोग तो सोच रहे थे गैस है, शायद अटक जाता है ना कहीं भी, गैस अटक जाता है ना कहीं भी, तो हम लोग तो दिमाग में वो चल रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बोला ना ECG निकालो, तो फिर टेंशन में आ गया। बोला मम्मी मैं अब भी आ रहा हूँ, हॉस्पिटल है नियर बाय में, तो मम्मी और मून वहां से डायरेक्ट आए, मैं यहाँ से फटाफट कपड़े पहना वाला चलते। तो गए ECG निकाले, एकदम सब टेंशन में, मम्मी मैं मून मतलब ECG अब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, मैं इतना डर रही हूँ और किसी को अंदर आने भी नहीं दे रहे। हाँ, तो मैं ना एकदम ना मम्मी अकेले ही रह सकते हैं। मैं इंजेक्शन से इतना घबरा रही हूँ, मैंने कभी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह ECG कराया नहीं, क्या है कुछ पता ही नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था करंट नहीं लगेगा, तो वो लोग ना कुछ पता नहीं यहाँ पे ऐसा हथकड़ी ऐसा लगाते और पैरों पे लगाते और ऐसे मतलब जहाँ पे हार्ट का एरिया होता है वहाँ पे से वो सकिंग वाला वो जो आता है ना वायर जैसा जो हार्ट पे लगाते हैं वो लगाए। तो मैं तो वहां ही मेरे ना बॉडी कांपने लग गई और ये लोग कोई भी नहीं मेरे साथ, और शहजान पीछे से आवाज दे रहे मैं हूँ यही चल रहा है। वो नर्स तो लोग पता नहीं वहां पर इतने रूड रहे थे, नॉर्मल रहता है हर थोड़ी देर में ECG निकालने को आ रहा है तो उन लोग के लिए। बट ऐसा एक होता है ना थोड़ा बहुत, एक पेशेंट को तुम प्यार से बोलो तो एक पेशेंट को थोड़ी हिम्मत, और मैं तो मतलब मेरी हम लोग ने अल्लाह माफ करे अल्लाह ना करे ऐसा कितनी बार मैंने केस सुना कैसा ECG निकालने बोले रिपोर्ट देके बोले ये तो एकदम रेड अलर्ट पे, अभी कब भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे को वो सब डर था। डॉक्टर देखा बोला कि नॉर्मल है, मैं बोले चलो रिलैक्स हो गए। हमने बोले क्या प्रॉब्लम होगा, फिर वापस रिपोर्ट लेके डॉक्टर भी चेक किया मेरा, वो भी नॉर्मल, तो हो क्या रहा है वो ही समझ नहीं आ रहा। फिर वापस डॉक्टर के पास गए तो बोले ये तो नॉर्मल आया है, तो मेडिसिन दी है मुझे, तो वो उधर ही उसको क्लिनिक में ही पिला दिए, घर आए डाइजिन जैसा कुछ समझो ना, 100 में से 5% इसको थोड़ा कम हुआ, तो ये बोली चलो सोने की ट्राई। एक्चुअली मैं बताती क्या हुआ, एक्चुअली बज रहे थे 11:30 और ना इन्होंने डिनर किए थे ना मम्मी ने, हम लोगों ने फिर भी मॉल में मैं बुशा जी थोड़ा बहुत खा लिए थे, बट ये लोग को 11:30-12 हो रहे थे तो, और ये लोग मेरे पास से हट ही नहीं रहते, तो मुझे वो चीज नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैंने ऐसे क्या बोला, मुझे ठीक लग रहा है, हाँ हाँ ठीक लग रहा है, हाँ हाँ ठीक लग रहा है। इन लोग को बोली खाओ, तो लोग मेरे मुंह पे ही बैठ के खा रहे कि इधर ही मुझे ही देख रहे, खा रहे और मुझे ही देख रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं लोग खा ले। फिर ऐसा हुआ कि मतलब देखती हूँ मैं मेडिसिन खाई हूँ तो थोड़ा रुकती हूँ कि सही होता है, सेटल डाउन होने भी एक घंटा तो जाता है मेडिसिन के बाद। तो फिर ये बोली कि काम करो, मैं भी सोने की ट्राई कर रही हूँ, तुम लोग भी सो जाओ। तो हम लोग बोले ठीक है, बात करते करते देखते देखते नहीं, बस एक चीज थी कि मुझे लेटने नहीं हो रहा था, मैं लेट और मुझे हाँ मेन तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मैं ब्रीथ कर रही थी ना तो मुझे वो बहुत जोर से खींच रहा था, तो मुझे ना ऐसे हल्की हल्की सांसें होती ना वो लेना पड़ रहा था। और उसके बाद में क्या हुआ, सब सोने के ऐसे बिग बॉस वगैरह देख थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लेटने नहीं हो रहा था, ये लोग बोल रहे लेटो लेटो, मैं बोली नहीं मैं बैठी हूँ, मुझे बैठकर अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अब सब सो, अब लेट हो गया, 1:30-1:30 गए थे तो सब सोने का वो कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो मैं लेट, ये बोले तुम ECG के लिए लेटे थे ना वापस से वैसा, क्योंकि ECG के टाइम पे भी लेटने बोले ना तो मुझसे नहीं हो रहा था वो बहुत, एक तो वो नर्स रूट थी तो उसकी वजह से मुझे लेटना पड़ा, लेकिन वो बहुत पेन हो रहा था। तो फिर मैंने फिर से वही सेम चीज वापस ट्राई की, बोले एक बार लेट जाओ सही लगेगा। तो मैं लेटी ना तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने हाथ ये वाला लेफ्ट हैंड ना खींच रही थी, तो अभी वो पीछे का ना दीवान सेट था तो उसको मैंने पकड़ के मैं ऐसी लेटी थी, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था, मतलब वो स्ट्रेच हो गया था लेफ्ट साइड ना तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं 1 घंटा ऐसे पकड़ के लेटी थी, मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी, मतलब नींद आ रही थी बट सोने नहीं हो रहा था, ये लोग सब सो गए मैं ऐसे पकड़ के बैठी हूँ। और उसके बाद मेरा हाथ सुन हो गया, और सुन हो गया ना तो मैंने फिर छोड़ दिया हाथ, फिर वापस ऐसे हुए, फिर नॉर्मल मैं ऐसे वॉशरूम के लिए उठी, और उसके बाद वापस जब लेटने आई ना तो मुझसे मतलब वो हुआ ही नहीं। फिर मैंने ये भी ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, पर वो हो ही नहीं रहा था। पर ये लोग
सो रहे थे तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था कि नींद में सोठा, बट मैंने सोचा कि ये करती हूँ वो बहुत मुश्किल से सोए सब मतलब ऐसा हुआ कि चलो ट्राई करती हूँ मैं भी सोने का, तुम लोग भी ट्राई करो, मतलब एकदम नींद आ जाएगी तो शायद सुबह अपन कुछ फिगर आउट कर लेंगे कि कैसे करना, अभी रात कट जावे बस, ये लोग रात में ही मतलब बोल रहे थे वापस चलो डॉक्टर के पास चलो, मैंने कैसे कैसे करके सब सोए लेकिन ये नहीं सो पा रही थी, हम लोग तो सो गए थे, हम लोग को लगा ये भी सो गए, लेकिन ये थोड़ी देर बाद बेचैन होने लगी, बहुत बर्दाश्त करी, फिर 4 बजे मुझे ऐसा उठाई कि मुझे नींद नहीं आ रही, पेन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं बोली अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है बहुत डेंजर, मतलब मैं ना मैं यॉर्न नहीं कर पा, मतलब वो जो हैवी ब्रीदिंग और हैवी ब्रीदिंग नहीं, मतलब जैसे नॉर्मल ऐसे भी कर रहे मुझे नहीं हो रहा था, तो उसमें मुझे छींक आ रही है, उसमें मुझे ये यॉर्न आ रहे हैं, तो वो मुझे हो नहीं रहा, मेरी छींक 4-5 तो ऐसे ही रुक गई, क्योंकि वो मैं मतलब क्या बोलते वो पावर मतलब वो ले ही नहीं रहा था मेरे इसमें उतना, तो उसके बाद फिर मैंने शेजान को उठाई, ये घबरा के एकदम ऐसा उठे कि क्या हुआ, फिर मैंने फटाफट कपड़े उपड़े हम लोग ने चेंज किए और मम्मी को इन्होंने उठाए, बेचारे हम लोग दोनों को 4 बजे उठा के, मम्मी भी बेचारे नींद में से उठे, वो भी घबरा गए कि मतलब पेन रुका नहीं ना, मम्मी को आराम से उठाया, मतलब मम्मी कभी भी आराम से उठाना, और पैरों से आप सुभाष सर ने बोले जब भी किसी को उठाओ तो पैर के वो से, तो बहुत जैसे सब पहले तो क्या हुआ, मैं जब उठी ना तो मम्मी को ना जैसे मैंने बताया उनको खांसी थी, तो उनको खांसी हो रही थी अचानक, तो उतने में मैं जब उठी थी पहली बार तो मैंने उनको पानी दी, मैंने बोला कि क्या हुआ अचानक आपको खांसी हो रही है ऐसे करके, तो वो डर गए, बोले उनको लगा मैं पानी के लिए उठा, उनको लगा कि मेरे को वापस ऐसे कुछ हुआ, मतलब जबकि हो रहा था बट मैं कोशिश कर रही थी कि वो सेटल हो जाएगा हाँ ऐसे ऐसे, तो वो ऐसे पहले में उठे, बोले क्या हुआ, मैं बोली नहीं नहीं मैं वॉशरूम के लिए उठी हूँ, तो वो इतने दिन में तो बोले हाँ जाओ हाँ जाओ, मैं बोली मैं हाँ मैंने कर ली वॉशरूम, बोले नहीं जाओ जाओ, मैं बोली ये नींद में, फिर उनको सुलाई, मैंने बोली अब मैं वापस सो रही हूँ, मैंने ऐसा बोली मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं बैठी रही इतनी देर तक मैं बैठी रही, फिर जाके 4 बजे मैंने उठाई, फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले, वहां पहुंचे तो डॉक्टर को भी बुलाया, एकदम ऐसा नींद में आ रहा है, कोई पेशेंट नहीं रहता तो सो जाते हो ना बेचारे, क्योंकि रात की नींद तो बहुत जरूरी है, जो भी नाइट ड्यूटी करता है डिफिकल्ट है इजी नहीं है, तो डॉक्टर आया बोला एक काम करो ईसीजी पीटीसीजी करना पड़ेगा वापस करो, हम लोग अरे वापस है, कभी मिस हो जाता है कुछ उसमें पहले वाले में, तो फिर वापस ईसीजी कराए, देखे तो एकदम घबरा के मैं पूछा अरे क्या अब क्या है, तो बोले नहीं नॉर्मल है, तो बोले ये गैस नहीं है मे बी मसल पुल अप होगा, मसल पेन जो होता है मतलब उन्होंने वो टाइम पे भी बीपी चेक किया, मेरे पल्स रेट चेक किए, सब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आया, बट फिर हम लोग को क्वेश्चन मांगता है कि हुआ क्या, तो ये वो लोग एक्चुअली बोल रहे थे मुझे एडमिट करने के लिए, तो मैंने तो मतलब साफ मना कर दिया, बिकॉज वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता फिर शहजाद ने बोला कि नहीं, फिर उन्होंने बोला कि शायद मसल पेन भी हो सकता है, एडमिट के अलावा क्या ऑप्शन है, तो बोले कि इंजेक्शन देके देखते हैं मसल पेन का, अगर हो गया यही बोला इंजेक्शन देने बोले, मतलब मेडिसिन को टाइम लगता है ना, सीरियस पेन है तो उसमें मेडिसिन के लिए क्यों रुकेगा कि इतना टाइम लगेगा, इंजेक्शन फौरन दे देने, लेकिन उन्होंने ये बोला था ये मसल पेन है कि क्या है वो भी हमें नहीं पता है, तो एक डाउट है, एडमिट करना पेन वो दे देते हैं इंजेक्शन, अगर हो गया तो फिर वो ही रहेगा, तो वो दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ते आहिस्ते कम हुआ, घर आए सोए, फिर अभी थोड़ा बेटर हो गया, हाफ एन आवर में अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गया था, तो मे बी शायद वो मसल पेन ही था, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन भी ना मुझे वो हो रहा था, मतलब क्या बोलते हैं वो हल्का ही बहुत दर्द हो जाता था, नहीं दर्द रह जाता है थोड़ा, वो यौन करने पे आता ही था, लेकिन वो शायद मसल पेन ही था, शायद कुछ वजन वगैरह मैंने उठा लिया होगा, बट बहुत अभी हम लोग बहुत नॉर्मली कैजुअली बता रहे, ये तो एकदम प्रिंसिपल बन गए थे वो टाइम पे जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, वो एकदम ऐसे हो रहा था, मैं इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ, तो ये मुझे बोले ना ये तो ये लेना पड़ेगा ना ऐसा करना, एक इंसान टेंशन में आ जाता ना कि हुआ क्या, फिर नेक्स्ट डे बेचारे सुबह उठ के मुझे बोले मैं डर गया था एकदम, हार्ट का तो टेंशन हो जाता है ना, ये क्या चलो अल्लाह खैर करा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, सब सही है, अल्लाह हर बीमार इंसान को शिफा दे और हर दर्द से महफूज रखे, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, क्या है वो मिसाल, जान है तो जहां है, और वो भी बता दो कि मतलब मेरा मकसद ये जो मैं हम लोग व्लॉग वगैरह तो वो टाइम पे बना ही नहीं सकते थे, बिकॉज ऑब्वियसली पेन में मैं और ये लोग टेंशन में, तो मैंने वैसे बोला था नहीं, वैसे मैंने तो बोला था पेन में, एक काम करो कैमरा स्टार्ट करो क्लिप ले लो, मैंने बोला मम्मी और मैं पागल है क्या तुम, चलो मैं ले, नहीं ये लो काम आया हमारा चलो, मैं एक्चुअली इसलिए बोल रही थी कि एक क्या बोलते एक्सपीरियंस लोगों को कि क्या करना चाहिए ऐसे में, तो मेरा अब
लिए तो नहीं वीडियो, तो मैं इसे मुंह जबानी बता देती हूँ कि अगर ऐसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर ऐसा लगता है ना कि बहुत गैस है, लेकिन डॉक्टर ने एक चीज बोला गैस होता है ना तो इतनी देर तक नहीं रहता है। मुझे 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक था क्या हो गया, सुबह के 4 बजे तक वो दर्द था। तो डॉक्टर ने बोला ये गैस्ट्रिक नहीं हो सकता है, इतना लंबा तो नहीं होता है, क्योंकि मुझे पहले डॉक्टर ने दवाई भी दी थी, डाइजीन भी पिलाया था, बट कुछ असर ही नहीं हुआ, तो वो गैस्ट्रिक नहीं था मेरा। तो इसलिए मतलब यही मेरा मकसद था वीडियो निकालने का कि लोगों को मतलब जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, और जो भी प्रोसीजर होते जैसे ECG वगैरह, मतलब मेन हार्ट की बात आ जाती है, और गैस से हार्ट अटैक का भी सेम लिंक होता है। तो वो हम लोग उस गफलत में रह जाते कि नहीं ये गैस है गैस है गैस है, बट रिस्क नहीं लेना, दिखा दे रहे हैं जहाँ कुछ हो रहा है, लग रहा है ज्यादा है तो फौरन चले जाने का, ये नहीं कि हो जाएगा घर के उससे क्रोसिन ले लो अपने, मैं तो घरों का वो है, अरे क्रोसिन खा लो बस हो जाएगा। मैं एक तो अलग घबराई थी, इन लोग अलग घबराए थे, मैं तो ऐसा लग रहा। एक कॉमेडी बताऊंगी ना, बताऊंगी वाली क्या एक्चुअली ना रात में ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि मुझे घबराहट हो रही है, बाहर ही सब एक साथ सोते तो अभी सब सो रहे थे ना, कैसे है ना फैन की स्पीड फास्ट रहती है, और जो पर्दा बीच में हम लोग का लगा ना थोड़ा हल्का है, और अभी हवा भी चल रही है। नहीं 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 सब नहीं, जाने दो, अभी मैं समझा नहीं बोलने का, क्यों जाने दो, नहीं अच्छी बात नहीं है सब। अच्छा चलो जाने दो, कुछ था कॉमेडी लग रहा है अभी मुझे, बट वो टाइम पे मैं बहुत डर गई थी, जाने दो ठीक है, अल्लाह ने खैर किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बस आप लोग भी ध्यान रखो, कुछ भी छोटी चीज रहेगी उसको निग्लेक्ट मत करो, जाके एटलीस्ट बोलते ना अपने एक सेफ साइड के लिए जाके पता करो, और हाँ बॉडी चेकअप तो साल में या 6 महीने में एक बार तो कराना चाहिए ही चाहिए। जो डरता है कि क्या निकले क्या नहीं, वो नहीं कराएगा, मुझे पता है जैसे कि मैं हूँ एक, बट आई थिंक कराना चाहिए, उसमें अपने को पता चल जाता है क्या है क्या नहीं, तो बस यही। लेकिन आज हंस रहे हम लोग, बट उस दिन हम लोग के 12 बजे थे चेहरे पे, बहुत स्ट्रेस था, अल्लाह का शुक्र सब नॉर्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह जितना मैं इनको इमोशनली कमजोर समझती हूँ ये वक्त पे उतना ही स्ट्रांग निकलते हैं, और मैं जितनी स्ट्रांग दिखती हूँ उतनी वक्त पे कमजोर निकल जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, होता है सब क्यों खुशी वाला। अच्छा ठीक है, लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत 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 स्ट्रांग है, ये बात मुझे साइज बड़ी हाथ लगाओ जैसे नजर लग जाए, नजर इज फॉर रियल गाइस। हाँ कोई ऐसा जानबूझ के नहीं करता, ऐसे देख के खुश भी होता है, नजर लग जाती है, माशाल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह फॉर इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। ओके गाइस तो ये क्या है, अरे ये तो बताना ही भूल गए मैं तो, लोगों को लगे ये देखो गाइस मेरा रिपोर्ट ECG की, मेरी ECG की रिपोर्ट है इसके अंदर, वैसे दिखाऊंगी ना वो अच्छा नहीं लग रहा हूँ मुझे, मेरी हार्ट रेट्स देख कर मुझे तो वो ये थी मेरी इसके अंदर रिपोर्ट्स। मैंने हमेशा पिक्चरों में देखा था ये पता नहीं, तो सब ऊपर मैं तो इसको नॉर्मल समझू, एक लाइन जो होती है बस वो ही पता है, ये हार्ट बीट सही है और ये गए अल्लाह को प्यार है, दोनों सेम है, तो सेम ही था उसने बोली ना, जब सेकंड टाइम निकाला तो नर्स ने यही बोला कि सेम है, बस इतना बोली सेम, कुछ उसने मुझे वो नहीं करी, ये सिर्फ है 91 BPM या 100 BPM। चलो खैर क्या है व्लॉग, बस यही था। ओके गाइस दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह आएगी न्यू व्लॉग के साथ, मेरे डैडी और सबको इंशाल्लाह, सारे मरु मरुमा सबको याद रखिए, और जिनके पास माँ बाप है आप यकीन मानो आपके पास बहुत बड़ी नियामत है, खिदमत करो, जन्नत में जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता वही है, समझे। चलो अल्लाह हाफिज।